मॉर्निंग फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, आज हम अपनी मेंटल एबिलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का जो है वो टॉपिक हम करेंगे. फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो डिस्टेंस है यहां पर डिस्टेंस एक अलग टॉपिक भी है. इस केस में या इस टॉपिक में मैं डिस्टेंस को डायरेक्शंस के साथ जो है रिलेट करके आपको करवाऊंगा. इसमें यह नहीं है कि डिस्टेंस और स्पीड को आप ढूंढें इस लेक्चर में, वो नहीं मिलेगा आपको. यहां पर आपको क्या मिलेगा, डायरेक्शंस विद डिस्टेंस, या किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस तक कोई पर्सन चला है या कोई भी चीज मूव की है, हम उसके बारे में इसमें बात करेंगे. डिस्टेंस अपने आप में एक अलग टॉपिक है, डिस्टेंस एंड स्पीड के साथ रिलेट है वो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स, अगर हम डिस्टेंस और डायरेक्शंस की बात करते हैं तो इस टॉपिक में मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है इसकी डायरेक्शंस. डायरेक्शंस एक ऐसा कह लीजिए कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हर एग्जाम में जिसके क्वेश्चंस आने कंफर्म है, 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में इसके पूछे जाते हैं. तो फ्रेंड्स, जब भी डायरेक्शंस की बात चलती है तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शंस को पहले चूज कैसे करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सूरज ईस्ट से निकलता है या सनराइज ईस्ट से होता है, वेस्ट पे डूबता है. तो इसको हम बेसिकली क्या लेके चलते हैं. यहां पर मैं डायरेक्शंस के बारे में बताने से पहले आपको एक और चीज कराता हूं फ्रेंड्स, बताता हूं आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन का ये पार्ट 1 है. इस पार्ट 1 में फ्रेंड्स मैं आपको डायरेक्शंस के टाइप्स बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और कंसेप्ट क्लियरेंस जो है वो इस लेक्चर में करेंगे. जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम इसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करके वो देखेंगे कि कोई चीज हमारी रह तो नहीं गई है, या जो आज हम कंसेप्ट करेंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम इस्तेमाल करते हुए उनके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन. डायरेक्शन फ्रेंड्स हमारे पास यहां पर बेसिकली 4 तरह की डायरेक्शन जो है हमारे पास दी होती है. कौन कौन सी डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स हमारे पास, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो फ्रेंड्स पहले तो इन 4 डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं. यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, बच्चों को अक्सर क्या दिक्कत आती है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बच्चा ये गड़बड़ कर जाता है. ईस्ट के साथ वेस्ट है, नॉर्थ के साथ साउथ है, ये तो सबको क्लियर होता है, लेकिन नॉर्थ और साउथ की विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट और वेस्ट पोजिशन क्या होती है, यहां पर गड़बड़ कर जाता है. तो एक बात याद रखिए, ईस्ट की लेफ्ट साइड पर हमेशा नॉर्थ आएगा, ईस्ट की लेफ्ट साइड पे हमेशा नॉर्थ आएगा, ये बात याद रखिए, कभी भी आपको इसको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी. तो फ्रेंड्स इसको हम समझ लेते हैं ये चीज. उसके बाद फ्रेंड्स इसी का सेकंड पार्ट करते हैं डायरेक्शंस में ही. एक तो ये चीज होगी फ्रेंड्स हमारे पास ना कि ये डायरेक्शन हमें दी हुई है. इसमें हमारे पास फ्रेंड्स और भी, ये तो 4 डायरेक्शन है ना जिसकी हम बात करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास 8 डायरेक्शन हो जाती है. वो कौन कौन सी डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स, एक डायरेक्शन इधर को जाती है, एक इधर को, एक यहां पर और एक यहां पर. तो ये 4 डायरेक्शंस और ऐड हो जाती हैं फ्रेंड्स जो इनके साथ साथ चलती हैं. अब है क्या फ्रेंड्स, वो एक बात याद रखूं, ये डेफिनेटली ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, या तो ये नॉर्थ ईस्ट होगी या ईस्ट नॉर्थ होगी. ठीक है, सिमिलरली ये, सिमिलरली ये, सिमिलरली. लेकिन इनके नॉमिनिक्लेचर के लिए फिक्स है फ्रेंड्स, जब भी मैं इन 4 डायरेक्शन के नाम लूंगा वो नॉर्थ और साउथ के नाम से ही स्टार्ट होंगे. कैसे, ये नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा ना कि ईस्ट नॉर्थ बोला जाएगा. सिमिलरली फ्रेंड्स ये नॉर्थ वेस्ट बोला जाएगा ना कि वेस्ट नॉर्थ बोला जाएगा. अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो यहां पर साउथ वेस्ट आएगा फ्रेंड्स ना कि वेस्ट साउथ आएगा, और ये वाली डायरेक्शन फ्रेंड्स बनेगी आपके पास साउथ ईस्ट बनेगी ना कि ईस्ट साउथ बनेगी. तो फ्रेंड्स ये 4 तरह के डायरेक्शन को भी हमने अलग से याद रखना है. अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स, ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ये तो एक लाइन के ऊपर है. ठीक है, अगर कोई पर्सन यहां पर खड़ा है और उसका फेस इस साइड को है तभी मैं बोल सकता हूं वो ईस्ट में है, लेकिन अगर वो थोड़ा भी यहां पर आ गया तो इसका मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रहा. ठीक है, इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि अगर इस लाइन में है तो ईस्ट है, इस लाइन में है तो नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन अगर इन बिटवीन यहां पर वो कहीं पर भी खड़ा है इस पूरे एरिया में, तो उसका एरिया, उसका जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी बोली जाएगी, नॉर्थ ईस्ट बोली जाएगी. और सिमिलरली फ्रेंड्स यहां पर आएगा तो नॉर्थ वेस्ट, यहां पर आएगा तो साउथ वेस्ट, यहां पर आएगा तो साउथ ईस्ट बोला जाएगा. तो फ्रेंड्स ये एक कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है इसकी डायरेक्शंस के साथ रिलेटेड. मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज समझ लेंगे. तो फ्रेंड्स इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट में. इसका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स, जब भी हमें डायरेक्शंस दी होती है फ्रेंड्स, मैं इसको इरेज कर रहा हूं,
जब भी हमें डायरेक्शन दी होती है तो एक चीज और हमें बोली जाती है, वो क्या बोली जाती है कि देखिए अब मैं ये चारों चीजों को तो समझ गया जो आपने अभी बोली है, मतलब आप हमको आपको बताई गई है वो चारों डायरेक्शंस को आप समझ गए हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है वो ये नहीं बोलता कि कौन कहां पर है कौन कहां पर है। वो क्या करेगा, उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। मसलन एक पर्सन है वो यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, या यहां पर है वो, ठीक है, उसके मुंह इस साइड है, अगर वो क्लॉकवाइज टर्न किया एक पर्टिकुलर एंगल पे तो वो इस साइड करेगा। तो इस डायरेक्शन को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, अगर वो ऐसे मुंह करके इधर को मुड़ गया तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट है आपके लिए, ठीक है, और अगर वो यहां पर खड़ा होकर ऊपर को मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम फ्रेंड्स एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट होगी अगर वो ऊपर को मूव करता है, क्लॉक वाइज मूवमेंट होगी अगर वो नीचे को मूव करता है। तो फ्रेंड्स आपको इस डायरेक्शंस के साथ साथ देखिए डायरेक्शन तो हमें क्लियर है, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट, ये है आपका फ्रेंड्स नॉर्थ, ये है आपका साउथ, और बीच के डायरेक्शंस भी आपको क्लियर है, उसके लिए मैं ज्यादा वॉच वॉच नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, अगर हम ईस्ट की बात करते हैं और बंदे का मुंह ईस्ट की तरफ है तो जिस तरफ भी उसका मुंह है, एंगल की बात करता हूं, तो यहां पर या तो ये बोला जाएगा ये जीरो डिग्री है या ये 360 डिग्री है। अगर हम नॉर्थ की बात करें, इस डायग्राम की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, तो ये होगा 90 डिग्री पर नॉर्थ डायरेक्शन, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है फ्रेंड्स 180 डिग्री पर, और अगर हम इसकी बात करें तो फ्रेंड्स ये होता है 270 डिग्री पर, ठीक है जी। अब ये हमें किस तरह से पूछा जा सकता है, मैं इसको एक मिनट के लिए थोड़ा सा इरेज करता हूं, यहां पर आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है फ्रेंड्स, आपको एक बोला गया कि एक पर्सन है, ठीक है जी, वो ईस्ट की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, ठीक है, ए पर्सन है, उसका फेस क्या है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है जी। वो क्या करता है, अपने आप को क्लॉकवाइज 45 डिग्री पर मूव करता है। फ्रेंड्स ये पूरा 90 डिग्री होगा तो 45 यहां पर होगा, इसका मतलब उसका फेस कहां पर हो गया, अभी वो इस डायरेक्शन में उसने फेस अपना कर लिया, ये कितना हो गया एंगल 45 डिग्री, और उसने क्या बोला था क्लॉकवाइज। उसके बाद बोलता है कि फिर वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला गया। फ्रेंड्स 180 का मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, इसका मतलब वो यहां पर चला गया, एंटी क्लॉकवाइज था मतलब पीछे को मूव कर गया, ठीक है जी। इसका मतलब पहले उसकी डायरेक्शन इस साइड पे थी, फिर उसकी डायरेक्शन इस साइड पे आ गई, ठीक है जी। अब देखिए उसका फेस कहां पर था, ईस्ट की तरफ, पहले उसने 45 डिग्री कहां मूव किया क्लॉकवाइज, फिर उसने 180 डिग्री कहां मूव किया एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद वो 270 डिग्री मूव करेगा, या 270 डिग्री मूव करा दो, ठीक है जी। 270 डिग्री मूव करके कहां जाएगा, वो कहां जाएगा फ्रेंड्स, टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब ये 270 ये 180 हो गया, और यहां से किया यहां पर ये पहुंच गया, फेस की साइड हो गया यहां पर, ये 270 डिग्री मूव किया फ्रेंड्स उसने, और कहां फ्रेंड किया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब इधर को मूव किया। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब बताइए जी उसका फेस किस साइड पर है। तो फ्रेंड्स यहां पर उसने तीन एंगल्स का जिक्र किया, मैं फिर से समझाता हूं, ये क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन है समझाने के लिए, वैसे आपको डिटेल में क्वेश्चन जो है वो कल करवाऊंगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। अभी आप फिर से देखिए, पर्सन है, फेस कहां पर है, ईस्ट डायरेक्शन में, 45 डिग्री मूव किया, कैसे, अब डायरेक्शन में नहीं मूव किया, 45 डिग्री मूव किया क्लॉकवाइज, ठीक है जी, क्लॉकवाइज मूव किया तो नीचे आगे आ जाएगा, ठीक है जी। फिर 180 मूव किया एंटी क्लॉकवाइज, तो एग्जैक्टली 180 चला गया ऊपर। उसके बाद 270 मूव किया क्लॉकवाइज, तो 270 का मतलब इधर को मूव किया और यहां पे पहुंच गया, और डायरेक्शन उसने स्टार्ट किया था ईस्ट पे, लेकिन वो एंड में कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है उसकी फेस की आएगी। तो ये अपने आप में ये जो कंसेप्ट है ये विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ही समझाया जा सकता था, इसीलिए मैंने ये एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है कि वो इस तरह से भी डायरेक्शन का पूछ सकता है एंगल्स के लिए। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, दिस इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इन बिटवीन 45 डिग्री, 30 डिग्री होगा। तो देखिए वो आपको एंगल की मेजरमेंट नहीं पूछेगा कभी, ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मैं ये 270 को गलती से मैं यहां पर भी ले आता तो आंसर तो मेरा फिर भी यही आता, ठीक है। इसका मतलब ये मुझे एग्जैक्टनेस नहीं पूछ रहा, बस मुझे एक रफ आइडिया होना चाहिए कि अगर वो 30 पूछ रहा है, 30 डिग्री बोल रहा है, तो डेफिनेटली वो 0 और 90 के बीच में होगा। अगर वो 89 डिग्री बोल रहा है तब भी वो 0 और 90 के बीच में ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज को एक बार देखिए, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फ्रेंड्स।
पहला जो मैंने आपको छोटा सा कंसेप्ट कराया उसमें मैंने आपको यह चीज कराई कि डायरेक्शंस चार होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर उसके बाद चार डायरेक्शंस और ऐड करवाई, और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन इंप्लीमेंट करवाया कि कैसे एक एंगल्स के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ भी आप इस चीज को कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स अब एक और इसके साथ टॉपिक जो है वो करके देखते हैं, टॉपिक नहीं है वो भी इसका छोटा सा कंसेप्ट है, उसके बिना भी वो चीज अधूरी है, और क्वेश्चंस में आप हर दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का देखेंगे फ्रेंड्स। क्या है उसमें देखिए, अब मैं फिर से यहां पर एक डायरेक्शन तो मुझे हर बार बनानी पड़ेगी फ्रेंड्स, ये फिर मेरे एक डायरेक्शन यहां पर बना दिया मैंने, इट्स अगेन योर ईस्ट, इट्स योर वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब फ्रेंड्स यहां पर एक बात याद रखनी है, यहां पर वो क्या बोलेगा आपको, जैसे मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात की है, यहां पर वो बोलेगा लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। एक पर्सन है उसका फेस ईस्ट की तरफ है, मान लो ईस्ट की तरफ है, तो अगर उसका फेस ईस्ट की तरफ है तो फ्रेंड्स ये उसका क्या बनेगा लेफ्ट, ये उसका क्या बनेगा राइट, ये याद रखना। अगर फेस ईस्ट की तरफ है तो लेफ्ट ऊपर को राइट नीचे को, लेकिन अगर फेस नॉर्थ की तरफ है फ्रेंड्स तो लेफ्ट होगा आपका इस साइड और राइट होगा आपका इस साइड। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर वो बंदा वेस्ट की तरफ बैठा हुआ है तो उसका लेफ्ट जो होगा वो नीचे को होगा और राइट जो होगा वो ऊपर को होगा, और अगर वो फ्रेंड्स आपको साउथ डायरेक्शन में उसका फेस है तो उसका लेफ्ट होगा आपकी दिस साइड, उसके इसके बिल्कुल ऑपोजिट फ्रेंड्स, और इधर होगा उसका राइट। तो ये तो फ्रेंड्स वैसे मैं आपको कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं कि भाई ये भी हमें थोड़ा सा याद रखना है कि भाई अगर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हुआ तो लेफ्ट किधर राइट किधर, बच्चे आमतौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज इसलिए होते हैं, मैं इसकी भी एक एग्जांपल करवाऊंगा उसके बाद बताऊंगा कि आपको हमें कंफ्यूजन क्यों आती है। ठीक है जी, हमें यह देखना होता है कि बंदे का फेस किस साइड है, जिस साइड उसका फेस होगा उस हिसाब से उसका राइट और लेफ्ट तय होगा, अगर वो ईस्ट की तरफ है तो वो राइट इधर को होगा लेफ्ट इधर को होगा, लेकिन अगर उसका फेस नॉर्थ की तरफ है तो उसका राइट इस साइड होगा लेफ्ट इस साइड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसका भी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको वैसे ही हल्की सी एग्जाम्पल आपको करके बताता हूं। चलिए फ्रेंड्स हम वैसे ही जनरली एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बंदा है उसका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है। ठीक है जी, सॉरी ये मैं थोड़ा सा लाइटेड यू भी दोबारा सबको कर लेते हैं, यहां पर है फ्रेंड्स दिस वन एंड दिस वन। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने उसने बोला कि डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट की लेफ्ट साइड पे क्या आएगा फ्रेंड्स नॉर्थ, यहां पे क्या आएगा साउथ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसने बोला एक बंदा है वो कुछ कदम चला, अगर वो कुछ कदम बोल रहा है चला तो इसका मतलब इसमें डिस्टेंस का कोई काम नहीं है। अभी तक मैं जितने भी आपको काम बता रहा हूं वो सारे के सारे इसके बता रहा हूं डायरेक्शन के बता रहा हूं। ठीक है जी, उसके बाद डिस्टेंस को भी इसके साइड में कवर करेंगे, लेकिन पहले हम किसको कवर कर रहे हैं डायरेक्शन को। वो बोल रहा है कि वो बंदा ईस्ट की तरफ कुछ कदम चला तो इसका मतलब वो यहां पर पहुंच गया, मान लो ये ए है, ए पर्सन जो है वो यहां पर पहुंच गया। उसके बाद बोला उसने कि उसने लेफ्ट टर्न लिया और कुछ दूर चला, लेफ्ट टर्न लिया और यहां तक चला। ठीक है जी, ये लेफ्ट टर्न लिया, अब ध्यान देना फ्रेंड्स अगर उसका मुंह ईस्ट की तरफ है तो लेफ्ट उसका अपवर्ड जाएगा तो ये लेफ्ट की तरफ चला, अगर वो लेफ्ट की तरफ चला तो आप इस साइड मुंह रख लो अपना। ठीक है जी फ्रेंड्स, उसने बोला कि उसके बाद वो क्या हुआ कुछ कदम जो है वो फिर से कहां गया राइट की तरफ गया। उसके बाद वो कह रहा है कि जितना वो पहले चला था उससे डबल वो अपने फिर से राइट की तरफ टर्न किया तो वो यहां पे पहुंच गया। ठीक है जी, ये उसका क्या टर्न था राइट टर्न था, उसने बोला डबल चला है तो मैं नीचे ले आया। इसमें वो डबल ट्रिपल की बात नहीं है, इसमें बात सिर्फ क्योंकि वो डिस्टेंस तो मिले ही नहीं रहा। ठीक है जी, तो इसका मतलब मुझे यह एरो को एग्जैक्टनेस करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो पहले मैं लेफ्ट गया, लेफ्ट गया तो मेरा मुंह कहां हो गया नॉर्थ की तरफ, जैसे ही मैंने नॉर्थ की तरफ से डायरेक्शन से मैंने राइट टर्न लिया तो मेरा फिर से फेस किस साइड हो गया ईस्ट की तरफ। अगर मेरा फेस ईस्ट की तरफ है और उसने फिर से राइट टर्न ले लिया और बोला डबल चला, इसका मतलब वो इसको क्रॉस करके नीचे आ गया। अगर वो क्रॉस ना भी करता यहां भी रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला कि वो डबल क्रॉस करके नीचे आ गया तो उसका फेस किस साइड हो गया फ्रेंड्स साउथ की तरफ। और आपको पूछा भी यही जाएगा कि अगर वो ऐसे दो तीन मूवमेंट लिया और उसका फेस किस साइड, अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है तो इस केस में उसका फेस किस डायरेक्शन में है साउथ डायरेक्शन में है। वैसे फ्रेंड्स अगर वो राइट लेफ्ट घुमाता है तो वो सिर्फ तीन बार नहीं घुमाएगा, कम से कम चार पांच बार घुमाएगा, तो वो हम अपने हिसाब से उस चीज को कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये चीज आपको अभी तक समझ में आई होगी।
अगर आपको ये चीज क्लियर है फ्रेंड्स, तो अब इसकी तरफ भी चलते हैं फ्रेंड्स, डिस्टेंस अपने डायरेक्शन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं डायरेक्शन की तरफ चल रहा हूं, सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स करते हैं, राइट लेफ्ट वाला, इसमें काफी अच्छा डायरेक्शन का क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। ये हमारे पास ईस्ट, अब उसने बोला कि ए पर्सन है, ए पर्सन है, वो एक पॉइंट से स्टार्ट किया। अगर उसने पर्सन ने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया फ्रेंड्स, वो पॉइंट मेरे लिए क्या बन जाएगा, ओरिजिन। यानी कि अगर मैं डायरेक्शन जो है उस पॉइंट से करूंगा जहां से वो बंदा चलना स्टार्ट करता है। तो उसने क्या किया, एक बंदा है यहां पर, इसको भी थोड़ा लंबा कर देते हैं, क्या पता उसका क्वेश्चन। अब वो बंदा है, उसने कह रहा है ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर गया, तो मैं इसको क्या कहता हूं, 10 मीटर गया ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है यहां से उस बंदे ने राइट टर्न लिया और 5 मीटर मूव किया। अब अगर उसने राइट डायरेक्शन लिया, यहां पे मैं RIGHT राइट ले देता हूं, इस डायरेक्शन में आकर उसने राइट डायरेक्शन को मूव किया, तो इसका मतलब वो डाउनवर्ड मूव करेगा, और कितना वो पहुंच गया हमारे पास, कितना, 5 मीटर डाउन चला गया। उसके बाद वो फिर से राइट डायरेक्शन टर्न करता है, पहले राइट लिया फिर से राइट, अब डाउनवर्ड का राइट किस साइड होता है फ्रेंड्स, इस साइड, ये राइट होगा, और वो 20 मीटर मूव किया, यहां से मूव किया 20 मीटर, इसका मतलब ओरिजिन क्रॉस करके यहां पे पहुंच गया, ये इसका डायरेक्शन होगा। उसके बाद फर्दर उसने राइट टर्न लिया और कितना मूव किया, 5 मीटर, फर्दर राइट टर्न लिया और कितना मूव किया फ्रेंड्स, 5 मीटर। इसका मतलब वो राइट 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 टर्न ही लिया जा रहा है, पहले गया सामने गया 10 मीटर, राइट टर्न लिया 5 मीटर, राइट टर्न लिया 20 मीटर, राइट टर्न लिया 5 मीटर। अब वो कहता है कि अब वो किस डायरेक्शन में और ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ईस्ट डायरेक्शन पे चला था, पूरा घुमा, कहां पे पहुंच गया, वेस्ट डायरेक्शन में। देखो ये इस लाइन की बात कर रहा है, उसके फेस की बात नहीं कर रहा। अगर मैं ये बोलूं कि इसकी पोजीशन क्या है, ये है अब 10 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, पहले वो 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन मूव किया था ना, अब ये 10 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन जो है वो यहां पर रह गया। तो ये फ्रेंड्स है डिस्टेंस का एक क्वेश्चन। उसके बाद डिस्टेंस के और भी क्वेश्चन बनते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तो है राइट लेफ्ट वाला, जिसमें वो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स वो क्या करेगा, वो आपको इन जो एक्सिस है हमारे पास, ये या ऐसे कह लीजिए जो ईस्ट वेस्ट लाइन है और नॉर्थ साउथ लाइन है, इस लाइन में ही लाई करवाएगा वो, यहां पर उस, वो कभी भी आपको इन बिटवीन नहीं छोड़ेगा। और अगर कभी वो आपको इन बिटवीन छोड़ेगा, तो इसका मतलब वो हमारे पास टाइप थोड़ी डिफरेंट हो गई है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं एक और चीज। अब जो फ्रेंड्स नेक्स्ट में आपको कंसेप्ट जो बताने वाला हूं फ्रेंड्स, वो क्या है, है वो डिस्टेंस का ही, लेकिन वो हम विद द हेल्प ऑफ एक थ्योरम करेंगे, जो हमने 8th क्लास में भी की हुई है फ्रेंड्स, और हमने 10th क्लास में भी की हुई है। तो फ्रेंड्स मेरे पास है पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम है फ्रेंड्स, वो मेरे लिए क्या कहती है, सबसे पहले मैं इसको समझता हूं। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दी गई हो, ये मान लीजिए ए है फ्रेंड्स, ये बी है और ये सी है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, तो इसके जो सामने वाली साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और मान ये आपके पास बी है बेस, और ये आपके पास उसकी परपेंडिकुलर है पी, तो इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है फ्रेंड्स, एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। तो फ्रेंड्स इस केस में मुझे यह पता करना जरूरी है कि उसका हाइपोटेन्यूज क्या है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये पाइथागोरस थ्योरम है, और डायरेक्शन के अब जो बाकी बचे क्वेश्चन जो डिस्टेंस वाले हैं, वो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम निकालेंगे। चलिए फ्रेंड्स करके देखते हैं एक क्वेश्चन, वैसे ही करके देखते हैं फिर से। चलिए लेट्स सपोज फ्रेंड्स, फिर से वो मेरे को बोलता है, मैं डायरेक्शंस फ्रेंड्स बना लेता हूं फिर से यहां पर, ये मेरे पास डायरेक्शंस आ गए फ्रेंड्स। उसने बोला ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स वो मेरे को क्या बोलता है, कहता है एक बंदा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू किया उसने, वो क्या किया ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया, मूव किया मूव किया, यहां पर रुक गया 8 मीटर मूव किया फ्रेंड्स। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया और 6 मीटर मूव किया, ये 6 मीटर मूव किया। अब वो यहां पर आके खड़ा हो गया। अब आपको क्वेश्चन ये है कि वो ओरिजिन से, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है और किस डायरेक्शन में दूर है। तो फ्रेंड्स अगर स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी देखूंगा तो वो होगी उसकी ये वाली दूरी, ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी है उसकी।
अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, बाकी सब कुछ भूल जाइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप कभी भी राइट और लेफ्ट मूव करते हो तो आप हमेशा एक बात याद रखो, आप 90 डिग्री पर मूव करते हो, तो इसका मतलब ये आ गया 90 डिग्री एंगल और ये बन गया आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो टेक्निकली आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहां पर क्या निकालना है, उसका हाइपोटेन्यूज निकालना है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी, क्या है फ्रेंड्स आप कुछ किसी भी चीज को पी लीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 6 36 प्लस 8 8 64, दैट इज इक्वल टू फ्रेंड्स 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। तो h इज इक्वल टू आ गया फ्रेंड्स आपके पास 10 मीटर, h की वैल्यू आ गई आपके पास 10 मीटर। इसका मतलब वो बंदा ओरिजिन से 10 मीटर की दूरी पर है, और कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर है। ये जो पर्सन ए था, वो ए पर्सन जो यहां पर आ गया है, वो जो ए पर्सन है वो ओरिजिन से 10 मीटर की दूरी पर और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है वो मूव करता है। फ्रेंड्स आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, आर्मी पर्सन हैं या कोई भी है, वो डायरेक्शन मूव करते हैं तो वो हमेशा इस डायरेक्शन से मूव करते हैं कि और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो वो कहां पर मूव करेंगे। हाँ नो डाउट उस केस में वो नॉर्थ ईस्ट को भी तोड़ते हैं, कैसे, ये जीरो से लेकर 90 डिग्री है, वो ऐसे मूव करते हैं, यहां पर वो एंगल्स मेजर किए होते हैं छोटे छोटे छोटे। मान लो मैं हूं, मैं आपको बोल देता हूं कि मैं 10 मीटर हूं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन अभी भी मैं क्वेश्चंस में तो यही पूछा जाएगा, लेकिन अभी भी मुझे यह नहीं पता कि 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैं, देखिए इस आर्क में कहीं भी हो सकता हूं, इस आर्क में कहीं भी हो, मैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी हो सकता हूं, ये मेरी एग्जैक्ट पोजिशन नहीं है। हां ये मेरी एग्जैक्ट डायरेक्शन जरूर है जो मेरा क्वेश्चन है, जो मेरा कंसेप्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं, आपको चाहिए नहीं जी मुझे तो एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, डायरेक्शन नहीं मुझे लोकेशन चाहिए कि वो है कहां पर, तो उसके लिए आपको ये एंगल भी पता होना चाहिए, लेकिन ये हमारे कंसेप्ट का पार्ट नहीं है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास डिस्टेंस और डायरेक्शन का पार्ट वन। इसमें हमने सबसे पहले डायरेक्शंस देखी, चार तरह के डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबके बारे में पता है आपको। उसके बाद चार और डायरेक्शन है, कौन कौन सी है फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, तो ये चार डायरेक्शन एडिशनल की। उसके बाद हमने इनकी डायरेक्शंस के साथ इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल्स के साथ मूव करके भी क्वेश्चंस क्रिएट किए हमने। उसके बाद हमने डिस्टेंस वाले क्वेश्चन लेफ्ट राइट मूव करके भी करवाए, ठीक है जी, जिसमें सिर्फ प्लस और माइनस करके डिस्टेंस निकल जाता है। फिर हमने पाइथागोरस का कंसेप्ट किया और फिर देखा कि कैसे पाइथागोरस का कंसेप्ट लगाकर हम अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो उसकी दूरी है, पर्सन की दूरी है, वो कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम करके निकाल सकते हैं और कैसे हम उसकी डायरेक्शंस को बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाकी का कंसेप्ट हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। Thank you so much, friend. Thank you so much.